हेलो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 मैथमेटिकल लॉजिक का डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक की बात करूं तो अगर कोई सबसे टफ इसमें मानता है मतलब एक्सरसाइज बोल सकते हो या प्रैक्टिस सेट बोल सकते हो तो 1.4 को ही मानता है। ड्यू टू जो उस पर कुछ लॉ है, 7-8 आई थिंक है, तो वो उनको टफ लगता है। नहीं पता क्यों ऐसा, बट मैं आपको बताता हूं, हो सकता है आज के बाद आपको वो चीजें टफ ना लगे। ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। पहले लॉ से, जिसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। पहला मैंने क्या बोला, आइडेम्पोटेंट लॉ। पहला क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कि जो मेरा P एंड P हो या P और P हो, मतलब दोनों स्टेटमेंट सेम हो, दोनों स्टेटमेंट P एंड P, P और P दोनों सेम हो, तो इसका आंसर भी क्या होता है, P ही होता है। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था जो हमें ना समझ में आए। दूसरा है, दूसरा लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, अब देखिए इसमें क्या है हमारा, ये बोल सकते हो आप कि जस्ट लाइक एडिशन और सब्सट्रैक्शन की तरह काम करता है ये। अगर हम कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो P एंड Q दिया है या P और Q दिया है तो ये किसके बराबर होगा। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में सिंपली जैसे A डॉट B बोलो या B डॉट A बोलो या A प्लस B बोलो, B प्लस A बोलो, आपका आंसर सेम आएगा, सेम है कॉम्यूटेटिव लॉ। P एंड Q बोलो या Q एंड P बोलो, दोनों सेम होंगे। P और Q बोलो या Q और P बोलो, दोनों आपका सेम होगा। क्लियर है, समझते जाइएगा वन बाई वन। कॉम्यूटेटिव लॉ के बाद बोलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। क्या है तीसरा नंबर, क्या है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें क्या होगा कि एक तो इसमें तीन स्टेटमेंट आ जाएंगे, P एंड मान लो Q एंड R, ठीक है। अब देखो यहां पे भी एंड है, यहां पे भी एंड है, ठीक है। और दूसरा क्या बन सकता है, P और Q और R। एसोसिएटिव लॉ में देखो ये जो दोनों बीच के सिंबल है ना, ये वाला एंड एंड और ये आपका सेम होगा, तभी हमारा क्या लगेगा यहां पे, एसोसिएटिव लॉ लगेगा। और ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा पी एंड क्यू एक ब्रैकेट में एंड आर, ऐसा लिख सकते हैं, और इसको पी और क्यू और आर लिख सकते हैं, और इसको तीसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, इसको पी एंड क्यू एंड आर लिख सकते हैं, और इसको पी और क्यू और आर लिख सकते हैं। समझ में आया, एसोसिएटिव लॉ कहां पे लगेगा, सबसे बड़ी बात ये है, जहां पे दोनों देखिए सेम हो, एंड एंड और तो और, यहां पे हमारा क्या लगेगा, एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क कर लो इसको, इसको कम्यूटेटिव लॉ पे स्टार मार्क कर लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, तो देखो जैसे ये क्या है P एंड, अब यहां पे Q एंड R था ना, अब यहां पे क्या हो जाएगा, और मतलब एक एंड दूसरा और, या एक और दूसरा एंड, ऐसे केस में क्या लगेगा मेरा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, मैं बोल रहा हूं यहीं पे लो
सबसे कठिन चैप्टर लगता है ये, नहीं पता क्यों। यहां पे एंड एंड है, यहां पे और है, यहां पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव में अलग अलग है, एंड है यहां पे और है। अब करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों साथ में चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन साथ में चलेंगे, ये इतना पार्ट साथ में चलेगा। मींस पहले एक बार क्यू को दे दो ये चीज, तो क्या हो जाएगा ये पी एंड क्यू, और कहां आ जाएगा बीच में आ जाएगा, फिर पी एंड आर, पी एंड आर, पी एंड को साथ में लेके चलना है, इतना याद रखना, पी और एंड को साथ में लेके चलना है। तो सेम आप बताइए क्या हो जाएगा ये पी और क्यू, पी और क्यू ये वाला एंड बीच में आ जाएगा, पी और आर, तो ये मेरा क्या बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है यहां तक? फिफ्थ नंबर है मेरा, फिफ्थ नंबर है क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क कर लो, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसमें कैसा रहता है सीन कि नेगेशन पहले रहेगा पी एंड क्यू मान लो, या नेगेशन ऑफ पी और क्यू किसके इक्विवेलेंट होगा, तो इस नेगेशन को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे एंड और में कन्वर्ट हो जाएगा और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बस वही है डी मॉर्गन्स लॉ। तो नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करिए, नेगेशन ऑफ पी एंड मेरा और में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेशन ऑफ क्यू ये बन गया। अब इसमें नेगेशन ऑफ पी और किस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, नेगेशन ऑफ क्यू, ये क्या हो गया मेरा डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है यहां तक? ये क्या हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ, सिक्स नंबर है कॉम्प्लीमेंट लॉ। लॉ में देखिए क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें सिंपली पी एंड नेगेशन ऑफ पी, या तो पी और नेगेशन ऑफ पी, ये किसके बराबर होगा? तो देखो एंड का केस है, एंड का केस है, एक अगर मैं पी बोलूं तो पॉजिटिव है तो नेगेशन ऑफ पी नेगेटिव है ना, तो एंड के केस में क्या होगा पी एंड नेगेशन ऑफ पी जब नेगेटिव लग ही गया तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, एंड के केस में ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है ना, तो पी एंड नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। पी और का केस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है और के केस में, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, इतना याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी दे सकते हो कि जो देखो अगर कोई बंदा सत्य बोलेगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, फॉल्स बोलेगा तो अलग टाइप का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, चोर चुहाड़ बोल देंगे, सही बोलेगा तो ईमानदार बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट ही तो है ये, एक निगेटिव वे में है एक पॉजिटिव वे में है। अब सेवेंथ नंबर आता है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ ये क्या होता है तो देखिएगा इसमें पी एंड टी, पी एंड एफ, पी और टी, पी और एफ, ये चार टाइप है, अभी किसके बराबर होगा और कैसे याद रखेंगे? तो देखिए अगर एंड का केस है, एंड का केस है समझिएगा, ये एंड का केस है, ये एंड का केस है, एंड के केस में ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, तो एक ट्रू है मेरे पास, एक ट्रू है मेरे पास, तो मैं किस पे डिपेंडेंट हूं कि इस पी पे डिपेंडेंट हूं ना, कि ये ट्रू अगर हो जाए तो मैं ट्रू हो जाऊंगा। हम लोग हमारा गोल क्या होता है, सबका गोल है पास होना ना, फेल होना होता तो आप वीडियो नहीं देख रहे होते, सिंपल सी बात है। तो पी ये ट्रू ऑलरेडी है, ये अगर ट्रू हो जाए मतलब डिपेंड किस पे हो रहा है हम लोग पी पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पी, आइडेंटिटी इसकी क्या हो गई पी हो गई। अब सेकंड देखो पी एंड एफ है, अगर
फॉल्स आ गया, एंड का केस है फॉल्स आ गया, तो इधर मेहनत करोगे क्या? जब रिजल्ट फेल हो ही गया तो मेहनत नहीं करोगे आप, तो ये एफ हो जाएगा फॉल्स। अगर फॉल्स आ गया, टी आ गया, मतलब एक आंसर सही हो गया, तो दूसरे को हम सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही गलत दिख गया ना तो गलत ही होगा ये, ठीक है। अब पी और टी, और का केस है, ट्रू अगर है तो कोई दिक्कत, किस पे डिपेंड करोगे? ट्रू तो दिया ही है ना, ठीक आ जाएगा, टी हो जाएगा। अब पी और फॉल्स है, यहां पे देखो फॉल्स आ गया, और का केस है, तो ये क्या हो जाएगा? पी पे डिपेंडेंसी आ गई, तो ये हो जाएगा पी हो जाएगा। मतलब फॉल्स और फॉल्स ही फॉल्स होता है ना, तो यहां पे अगर पी हमारा ट्रू हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये हमारी जान बचा लेगा, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी लॉ। एट नंबर देखेंगे क्या है, आइडेंटिटी लॉ के बाद आता है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ, ठीक है, तो कंडीशनल लॉ क्या होता है? कंडीशनल लॉ होता है पी इंप्लाइज क्यू। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी इंप्लाइज क्यू क्या लिख सकते हैं? नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। पी इंप्लाइज को क्या लिख सकते हैं? नेगेशन ऑफ पी और क्यू। और नेक्स्ट होता है बाई कंडीशनल लॉ, नाइन्थ नंबर है बाई कंडीशनल लॉ। बाई कंडीशनल लॉ क्या किया हमने, देखो कि इसमें हम लोगों ने क्या किया, पी में नेगेशन लगाया, फिर बीच में और किया और क्यू लिख दिए। बाई कंडीशनल लॉ क्या होता है? पी डबल इंप्लाई क्यू, तो इसको पहले कंडीशनल फॉर्म में लिखते हैं, क्या हो जाता है ये, P implies Q and, and आता है बीच में, और Q implies P, ठीक है। क्या किया हमने, P implies Q लिखा और and Q implies P लिख दिया। देन इसको P implies Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो P को हम लोग नेगेशन ले लेंगे और ये Q ऐसे कॉपी हो जाएगा, and रहेगा, फिर इसका नेगेशन Q और P। तो होप सो कि आपको ये नवो लॉ याद हो गए होंगे, या तो आप दो चार बार लिख लोगे तो याद हो जाएंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आठवां नंबर और नवा नंबर भी, सेवेंथ नंबर भी, फिफ्थ। और मैंने क्या बोला आपको कि अगर जब भी कभी कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा ना, तो उसके बाद क्या लगेगा हमारा, आइडेंटिटी लॉ लगेगा ही लगेगा, ये याद रखना। कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद आइडेंटिटी लॉ लगेगा ही लगेगा। और इधर कौन सा इंपॉर्टेंट है, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हालांकि आपको याद सब होना चाहिए। क्वेश्चन वन, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है हमको, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी। तो हमने कंडीशनल लॉ पढ़ा है, तो उसपे क्या होता है, पी इंप्लाइज क्यू अगर गिवन है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू लिखते हैं बाय कंडीशनल लॉ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि नेगेशन तो हमको लेना है इसका, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इंप्लाइज पी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू हो जाएगा ये, और P आएगा किससे, बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ। इसमें हमको लिखना है क्या लगाए हम लोगों ने, कौन सा लॉ यूज किया लिखना है, देखिए जस्टिफिकेशन बताना है हमको, है ना, ठीक है। तो ये हमने क्या लगा दिया, बाय कंडीशनल लॉ, और ये नेगेशन हमारा ऑलरेडी, तो नेगेशन से नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, क्यू और पी बचेगा। अब इस नेगेशन को डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, यहाँ पे बताया था ना मैंने डी मॉर्गन्स लॉ में नेगेशन बाहर रहेगा, और उसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी।
तो आपका ये पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो इट्स नेगेशन, इसका नेगेशन क्या होगा? इट्स नेगेशन इज क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो देखिए यहां पे जब नेगेशन लगा हुआ है, एंड वाला केस है और वाला केस होगा, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा? ये नेगेशन ऑफ पी एंड कन्वर्ट हो जाएगा और में नेगेशन ये वाला, देन नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। क्या यूज किया हमने? डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी और कन्वर्ट और तो और ही रहेगा, और नेगेशन से नेगेशन कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी और क्यू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे क्या है। तो इट्स, इसका नेगेशन क्या होगा? इट्स नेगेशन इज, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू होगा। अब जैसे ही हमें नेगेशन बाहर की ओर दिखा और दिखा, तो हम लोगों के माइंड में आना चाहिए कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहां पे हम लोग लगा देंगे कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और को एंड में कन्वर्ट कर दो, सिंपल सी। तो नेगेशन ऑफ पी और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। ये क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो ये होप सो कि आपको क्लियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, क्या दिया है? तो इसका नेगेशन क्या होगा? तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये नेगेशन दिया है हम लोगों ने, ठीक है, क्या हो गया इसका नेगेशन? क्या हो गया? नेगेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो इस नेगेशन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ, क्या हो जाएगा? ये नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड काय में कन्वर्ट हो जाएगा और में नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा। क्या यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे? डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर? अब इस नेगेशन को अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेशन ऑफ पी और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और नेगेशन से नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या लगा दिया आपने? डी मॉर्गन्स लॉ और नेगेशन ऑफ आर, ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए जितने एक बार दो बार तीन बार लग सकता है, ऐसा नहीं है कि एक बार लग गया तो दोबारा नहीं लगेगा, लग सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगा ही ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद आप कोई कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आप वहां पे छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है। इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? इट्स नेगेशन, ये तो कॉमन है सबके लिए। ठीक है, ये लाइन लिखना ही लिखना है। इट्स नेगेशन इज क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी इंप्लाई पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे ही हमने ये देखा इम्प्लाइड का सिंबल, तो हमारे मन में आना चाहिए कंडीशनल लॉ। और कंडीशनल लॉ क्या होता है? कंडीशनल लॉ पी इम्प्लाइड क्यू क्या होता है? ये होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, रट लो, ये हो गया नेगेशन। अभी हम लोग पी इम्प्लाइड क्यू कन्वर्ट करते हैं, तो ये पी का क्या हो जाता है? नेगेशन। और Q हमारा ये है, तो Q हमारा सेम उतर जाएगा, P और नेगेशन ऑफ Q। अब इस नेगेशन को अगर अंदर लेके जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेशन से नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया P और किस पे कन्वर्ट हो जाता है? एंड में नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। यहाँ हम लोगों ने क्या लगा दिया? डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर? यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? डी मॉर्गन्स लॉ। अगेन यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, देखिए इस चीज में। ये क्या हो जाएगा? पी एंड नेगेशन ऑफ पी, पी एंड नेगेशन ऑफ पी और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। तो
तो क्यू होता है, यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोगों ने, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पी एंड नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा लॉ लगा, कंडीशनल लॉ लगा और डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो बार, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, नेगेशन, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, देखिए नेगेशन और ये नेगेशन ऑलरेडी है, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी और नेगेशन ऑफ क्यू, यही गिवन है। तो देखिए अब इस नेगेशन को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं है ना, तो कौन सा लॉ लग जाएगा आपका, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ से नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। देखो कैसे लग रहा है ये समझ में आ रहा, डी मॉर्गन्स लॉ क्यों लग रहा है, देखो यहाँ पे और है ना बीच में, ये एक स्टेटमेंट हो गया मान लो पी और क्यू, मतलब मैंने क्या बोला, ये देखो इसको हम लोग एक सेंटेंस मान सकते हैं ना, पी बीच में और है कनेक्टर और ये क्यू, समझ रहे हो। तो पी और क्यू का नेगेशन क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड में और क्यू, तो नेगेशन को अंदर लेके जाओगे मेरे प्यारे भाई बहन, तो ये नेगेशन से नेगेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, पी एंड क्यू बचेगा, इस नेगेशन से ये नेगेशन कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, पी एंड क्यू, और मेरा कन्वर्ट हो जाएगा एंड में क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा, देन ये नेगेशन इस पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, पी और नेगेशन ऑफ क्यू बन जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब पी एंड क्यू को तो कुछ चेंजेस कर नहीं सकते, ये ऐसे ही रखेंगे, एंड देखो यहाँ पे नेगेशन है, यहाँ पे देखो फिर से वही केस आ गया, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या होता है, क्यू होता है, हमने अभी इससे पहले देखा था। अब इसके बाद फर्दर कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे क्या दिया है, पी नेगेशन, इसका नेगेशन क्या होगा, तो नेगेशन और ये क्या है, पी और नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज है ना, इंप्लाइज पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यही दिया हुआ है। अब देखो फिर से वही बात आ गई, क्या चीज, कंडीशनल लॉ, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, इंप्लाइज का सिंबल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कंडीशनल लॉ लगेगा, और कंडीशनल लॉ क्या होता है, तो याद हो जाना चाहिए था अभी तक कि पहले वाले का नेगेशन लेते हैं, बीच में और आता है, फिर क्यों लिखते हैं, बाय कंडीशनल लॉ, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लगा रहे हैं कंडीशनल लॉ, देखो देखते जाओ और सीखते भी जाओ, ठीक है, नेगेशन को अभी हम लोग नहीं छेड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी, तो नेगेशन यहां पे आ जाएगा, देखो नेगेशन पहले वाले स्टेटमेंट में, नेगेशन पी और नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज वाला सिंबल और में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्यू हमारा सेम कॉपी होता है, ये हमारा सेम हो गया, क्या लग गया, कंडीशनल लॉ। अब इसके बाद क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो नेगेशन को जब देखो ये पी स्टेटमेंट हो गया और ये क्यू स्टेटमेंट हो गया, नेगेशन बाहर है और बीच में है, कौन सा लॉ लगेगा, बहुत बढ़िया, डी मॉर्गन्स लॉ, यहां पे हम लोग लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ, क्या हो जाएगा, नेगेशन से नेगेशन कैंसिल आउट, ये बन जाएगा पी और नेगेशन ऑफ क्यू, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, ये नेगेशन यहां चला जाएगा पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब बताओ यहां पे नेगेशन है, एंड आ रहा, फिर से लग सकता है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा, पी और नेगेशन ऑफ क्यू, एंड मेरा सेम रहेगा, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या होता है, क्यू होता है, ये क्या लगा दिया हम लोगों ने, डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कर सकते क्या, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये हमारा सेम ऐसे ही रहने दो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है, तो इसका नेगेशन ले लेंगे, इट्स नेगेशन इज क्या हो जाएगा, तो नेगेशन क्या है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, यही है, और का क्या हो जाएगा, एंड पी एंड, सॉरी अभी तो क्वेश्चन लिख रहे हैं ना हम लोग, और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने केवल नेगेशन के साइन ले लिए,
अब देखिए, अगर ये पी स्टेटमेंट है और ये क्यू स्टेटमेंट है, दोनों के बीच में और है और यहाँ पे नेगेशन है, तो कौन सा लॉ लगेगा? तो आपके दिमाग में आना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और नेगेशन ऑफ क्यू और किस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और ये हो जाएगा पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब देखो यहां पे नेगेशन है, फिर यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ लग सकता है, तो नेगेशन से नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी और कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और नेगेशन से नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू बाय डी मॉर्गन्स लॉ, और ये एंड हमारा सेम रहेगा। अब इसको अंदर लेके जाएंगे, यहां पे भी डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड कन्वर्ट हो जाएगा और में, और नेगेशन ऑफ क्यू नेगेशन क्यू हो जाएगा किससे, तो डी मॉर्गन्स लॉ से। देखो आपको डी मॉर्गन्स लॉ, कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ, ये तीन पता होंगे ना, तो ये क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे एकदम, समझ रहे हो। आपने देखा भी होगा कि इसके अलावा हमने कुछ भी यूज नहीं किया। अब इसके बाद फर्दर कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं है। तो होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ और देन, विदाउट यूजिंग इफ देन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो देखिए इफ और देन से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, पी इंप्लाइज क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। और जब हम पी इंप्लाइज क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा इक्विवेलेंट किसके होता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू के, बाय कंडीशनल लॉ भी बोल सकते हैं, हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। तो इफ और देन को अगर हमें हटाना है तो इसको पी वाला जो सेंटेंस है, यहां पे पी वाला सेंटेंस क्या है, अ मैन इज अ जज, ठीक है, तो इसका नेगेशन ऑफ पी बोला है, नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, मैन इज नॉट अ जज, मैन इज नॉट ए जज। यहां पे क्या है और है, देखिए ये क्या है और है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, और ही इज ऑनेस्ट, यही होगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो देखिए इफ से शुरू है देन है, सेम फॉर्मेट होगा, पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो क्या आ जाएगा, टू इज नॉट अ रेशनल नंबर, टू इज नॉट अ रेशनल नंबर। और देखिए यहां पे नॉट लगाना जरूरी है क्योंकि ये नेगेशन ऑफ पी है, ठीक है, तो टू इज नॉट अ रेशनल नंबर, और ये और रूट टू इज इरेशनल नंबर, क्योंकि क्यू में तो कोई भी चेंजेस हो नहीं रहा, तो क्यू वाला जो स्टेटमेंट है ही इज ऑनेस्ट, रूट टू इज इरेशनल नंबर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ ऑफ टू इक्वल टू 0 देन, तो देखिए फिर से वही चीज, नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन नॉट इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल वाई, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि ये चेंजेस होता नहीं है इसमें। तो होप सो कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिया है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। देखिए यहां पर ट्रूथ टेबल हमें नहीं बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना होता तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता, ठीक है, यहां पे हमें ट्रूथ टेबल नहीं बनाना है। अब देखो इस इक्वेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड में दी है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्या है, पी डबल इंप्लाइज क्यू, तो जब डबल इंप्लाइज होता है तो यहां पे क्या लगता है, बाई कंडीशनल लॉ, तो बाई कंडीशनल लॉ, बाई कंडीशनल लॉ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले P implies Q and Q implies P, हमने बेसिक इसका बेसिक लेक्चर जो लिया था मैंने उसमें देखा है, P implies Q and Q implies P। अब इसको हम लोग ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे कंडीशनल लॉ लगा लेंगे, इंप्लाई का केस आ गया, इंप्लाई के केस में कंडीशनल लॉ, ये क्या हो जाएगा, P implies Q में जब कंडीशनल लॉ लगाएंगे तो क्या लग जाता है, नेगेशन ऑफ
पी और क्यू ऐसे सेम रहता है, एंड में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू और पी हो जाएगा। अब देखिए यहां पे समझिएगा, यहां पे समझिएगा, ये देखिए ये और है, यहां पे क्या है एंड है। अगर मैं ये पूरे स्टेटमेंट को एक, मतलब ये एक स्टेटमेंट हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, समझ रहे हो, ये मैं बोल रहा हूं पहला, ये हो गया मेरा दूसरा और ये ओवरऑल तीसरा। तो अब इन दोनों के बीच में देखो क्या है, और है, और है और एंड है। जब और एंड का केस होगा तो क्या लगता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कल मैंने बताया था इससे पहले वाली क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ये नेगेशन ऑफ पी होगा, नेगेशन ऑफ पी एंड एंड नेगेशन ऑफ पी एंड ये वाला आ जाएगा क्या, नेगेशन ऑफ क्यू और पी हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी, ये और बीच में आ जाएगा, फिर क्यू क्यू एंड और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी हो जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने, देखिए नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी ये एंड इधर आ जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू और पी ये और बीच में चला जाता है, बीच में चला गया, फिर क्यू नेगेशन ऑफ क्यू और पी, क्लियर है। यहां से अगेन देखो, अगेन देखो, यहां पे देखो एंड और आ रहा, ये देखिए यहां पे एंड और का केस आ रहा। जब ये केस आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये और बीच में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी एंड पी हो जाएगा। देखिए ये एंड आया यहां पे और ये वाला जो और है वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद ये क्या हो जाएगा मेरा, ये और रहेगा। अब इधर क्या हो जाएगा, q एंड नेगेशन ऑफ q, q एंड नेगेशन ऑफ q, ये और बीच में आ जाएगा, क्या हो जाएगा q एंड p हो जाएगा। ये क्या लगा दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देन इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे क्या है नेगेशन ऑफ p एंड p है तो, और यहां पे क्या है q एंड नेगेशन ऑफ q है, तो यहां पे क्या लग सकता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट लॉ किसकी वजह से, ये और ये, p एंड नेगेशन ऑफ p और q एंड नेगेशन ऑफ q की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q। और अब देखो ये एंड का केस है, एंड का केस, यहां पे ऑलरेडी निगेटिव है तो कोई मेहनत नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। एंड के केस में p एंड नेगेशन ऑफ p क्या होता है, फॉल्स होता है, ये हो गया फॉल्स। अब ये क्या हो जाएगा, और q एंड नेगेशन ऑफ q, देखो यहां पे भी क्या है, ये ऑलरेडी निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और q एंड पी हो जाएगा। अब इसके बाद समझिएगा, मैंने एक बात बोली थी जब फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो, कि जब भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो उसके बाद क्या लगेगा, आइडेंटिटी लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद देखो आइडेंटिटी लॉ लगेगा ही, क्योंकि एफ और रिलेशन आ गया, पी और रेफ के रिलेशन आ गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे अब यहां पर, आइडेंटिटी आइडेंटिटी लॉ। तो देखो आइडेंटिटी लॉ में क्या बोला था मैंने, देखो और के साथ एफ है, और के साथ एफ है, तो मुझे किसको ट्रू होना पड़ेगा,
अगर मैं और का केस देखूं तो एक भी ट्रू हुआ तो चलेगा ना, तो ये वाला टर्म मेरे को ट्रू होना चाहिए था तभी मेरा ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसको मैं क्या मान लूंगा कि दिस और दिस क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, बीच में और आएगा और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स और है ना, फॉल्स के साथ और है तो इसको ही ट्रू होना पड़ेगा क्योंकि हमें ट्रू अल्टीमेटली मेरा गोल है ट्रू लाना, तो क्यू एंड पी हो जाएगा ये क्यू एंड पी। तो देखो यहां पे क्या दिया है, पी एंड क्यू, तो यहां पे क्या लगेगा, क्यू एंड पी, पी एंड क्यू में कन्वर्ट करना हो तो कम्यूटेटिव लॉ यहां पे लगा दोगे, कम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा ये नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, और ये क्या हो जाएगा पी एंड क्यू। अब देखो ये पी एंड क्यू पहले है और ये वाला बाद में है, फिर से कम्यूटेटिव लॉ लगा दो, अगेन कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, पी एंड क्यू बराबर क्यू एंड पी बोलता है ना कम्यूटेटिव लॉ, या पी और क्यू बराबर क्यू और पी बोलता है, तो ये क्या हो जाएगा पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड हो गया। तो होप्स हो कि ये समझ में आया होगा, एक से दो बार देखोगे तो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू एंड एंड पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है मेरा, पी, पी दोनों में क्या है कॉमन है राइट, तो हम लोग यहां पे क्या लगा देंगे कि पी और को ले लो साथ में, क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये क्या हो गया, किससे कौन से लॉ से कर दिया हमने, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो Q एंड नेगेशन ऑफ Q आ गया, Q एंड नेगेशन ऑफ Q आ गया, तो ये कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंड और क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ ही है जिसमें हम फॉल्स या ट्रू के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं, याद रखना जब एक ही स्टेटमेंट पॉजिटिव में भी हो निगेटिव में भी हो तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलेंगे। तो Q एंड नेगेशन ऑफ Q एंड के साथ है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है तभी ट्रू होता है, तो ये कौन सी लॉ से हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा तो उसके बाद मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी लॉ लगेगा ही लगेगा, ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉ से क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि और का केस है ये फॉल्स है तो पी को ट्रू होना पड़ेगा क्योंकि हमें ट्रू चाहिए, तो ये किससे हो गया, आइडेंटिटी लॉ से, आइडेंटिटी लॉ से। तो होप्स हो कि ये वाला भी आपको क्लियर होगा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्या दिया है, पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, और राइट हैंड साइड में दिया है पी और क्यू, प्रूव करके हमको लाना है। तो देखेंगे जब हम ये दो स्टेटमेंट को देख रहे हैं तो इसमें कॉमन क्या है मेरा, क्यू पार्ट कॉमन है, क्यू पार्ट कॉमन है, यहाँ पे एंड और आ रहा है, ठीक है, एंड और आ रहा है, ये देखो एंड क्यू, ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, क्या हो जाएगा ये पी और नेगेशन ऑफ पी, पी और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू हो जाएगा, पी और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू किससे हो गया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो पी और नेगेशन ऑफ पी आ गया ना, पी और नेगेशन ऑफ पी आ गया, तो जब एक ट्रू और एक फॉल्स स्टेटमेंट साथ में हो तो इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो अब यहां से कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ का मैंने आंसर बोला था या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ये देखिए और का केस है, पी एक ट्रू है और एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू होता है तो ये क्या हो जाएगा, टी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू होगा, बाय
कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, जब कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा तो उसके बाद मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी लॉ लगेगा ही लगेगा। आंख मूंद के आइडेंटिटी लॉ लगा दो, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, देखिए यहां पे टी है एंड क्यू है, तो पहला स्टेटमेंट तो टी है और दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है, क्यू है। तो क्या करेंगे, तो हमको पता है कि ये मेरा क्यू पे ही डिपेंड करेगा, आइडेंटिटी इसकी क्यू से ही मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू और पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू आइडेंटिटी लॉ से, क्योंकि ये ट्रू है, ये अगर ट्रू हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्यू और पी एंड नेगेशन ऑफ पी। अब देखो यहां पे और है, यहां पे एंड है, अब क्या लगा दोगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू और पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, हो जाएगा क्यू और पी एंड क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू, किससे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे पता चला, तो यहां पे और था, यहां पे एंड था, जब और एंड एक साथ आते हैं तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ओर जाने की कोशिश करते हैं। अब देखो फिर से आ गया पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, बहुत बढ़िया। ये हो गया क्यू और पी एंड ये बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो अब ये एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, होगा ना, एक ट्रू और एक फॉल्स है, और का केस है, तो एक ये क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये क्या बन गया, क्यू और पी एंड टी। तो अब यहां से आइडेंटिटी लॉ लगा दो, पी एंड टी, पी एंड टी के बीच में लगा दो आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, पी एंड टी के बीच में आइडेंटिटी लॉ लगा दोगे तो किस पे डिपेंड करेगा, एंड का केस है तो पी पे, तो क्यू और पी हो जाएगा ये, बाई आइडेंटिटी लॉ, बाई आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब देखो क्यू और पी, हमें प्रूफ क्या करना था, पी और क्यू, तो यहां पे क्या लग जाएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ, पी और क्यू बाई कॉम्यूटेटिव लॉ। होप सो ये भी आपको क्लियर होगा, प्रूफ्ड, ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया मेरा, राइट हैंड साइड आ गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हम लोगों ने समझा कि यहां पे देखो एंड क्यू, ये यहां पे भी एंड क्यू है, दोनों का कॉमन पार्ट था, और यहां पे एंड था, यहां पे और था, तो पी और नेगेशन ऑफ पी ले लिया, एंड क्यू को मैंने कॉमन रख लिया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। फिर यहां पे देखो जब ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाता है तो हम लोग वहां पे क्या लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा दिए, तो ये आ गया टी, है ना। फिर यहां पे देखो ये आ गया, फिर यहां पे क्या लगेगा, पी एंड, सॉरी पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, है ना, मुझे लगा पी एंड नेगेशन ऑफ पी है, सॉरी। देखो यहां पे क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ के जस्ट बाद क्या लगता है, आइडेंटिटी लॉ। देखो यहां पे भी लगा, यहां पे भी लगा, यहां पे भी लगा, यहां पे भी लगा, ठीक है, ये याद रखना, रामबाण है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिर देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है 1.4, एक्सरसाइज 1.4 का फोर्थ नंबर, क्या दिया है कि नेगेशन दिया है, ब्रैकेट में क्या है, पी और नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड पार्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये क्या हो जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, पी और नेगेशन क्यू इंप्लाइज पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। तो बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ क्या हो जाएगा, ये बाय कंडीशनल लॉ क्या हो जाएगा, नेगेशन को रहने देते हैं अभी। तो देखिए जब P implies Q ब्रेक होता है तो क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और Q होता है, तो इसको हम लोग नेगेशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, P और ये, ठीक है, और यहां पे क्या आता है, और इसमें तो कोई चेंजेस होता नहीं है, ठीक है। अब देखो इस नेगेशन को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, या तो ये देखो P, अगर मैं इसको कैपिटल P मान लूं और इसको कैपिटल क्यू मान लू, तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लग सकता है, पी और क्यू और नेगेशन बाहर है, पी और क्यू नेगेशन बाहर है, तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लग सकता है, तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं,
क्या हो जाएगा, तो नेगेशन से नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा पी और नेगेशन ऑफ क्यू, और क्या है में कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब पी और नेगेशन ऑफ क्यू को हम लोग कोई चेंजेस कर नहीं सकते, तो इसको रहने दो पी और नेगेशन ऑफ क्यू। देखिए एंड, अब देखिए ये और है, यहां पे पी और नेगेशन ऑफ क्यू के बीच में एंड है, तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो। डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो जाएगा, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड का क्या हो जाएगा और नेगेशन नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू। तो हमको प्रूफ क्या करना था, पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू, बहुत बढ़िया ये प्रूफ हो गया। तो कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो समझ में आई हो तो दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।